नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज वेटनरी कॉलेज के करीब 200 छात्र छात्राएं 15,000 रुपए भत्ते बढ़ाने को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे। आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी कॉलेज कुमारगंज के वेटनरी के छात्र छात्राएं अपनी मांगों को लेकर कृषि विश्वविद्यालय के सामने धरने पर बैठ गए। धरने पर बैठे छात्र छात्राओं की मांग है कि उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा भत्ता 3,000 से बढ़ाकर 15,000 किया जाए और तभी वो धरने से उठेंगे। उन्होंने कहा कि ये धरना तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तर प्रदेश सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं कर देती। देश के अन्य राज्यों के वेटनरी कॉलेजों में 15,000 से लेकर के 24,000 तक भत्ता वेटनरी कॉलेज के छात्र छात्राओं को मिल रहा है। छात्रों ने बताया कि मेरठ और मथुरा कॉलेजों के वेटनरी कॉलेज की छात्र छात्राएं भी धरने पर बैठे हुए हैं। आपको बता दें कि पिछले काफी समय से छात्र यहां पर भी मांग कर रहे थे, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं आक्रोशित छात्रों ने कृषि विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पर बैठकर नारेबाजी के साथ साथ धरना प्रदर्शन भी जारी किया है। धरना प्रदर्शन की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज के अधिष्ठाता डॉक्टर डी नियोगी, कुलपति के सेक्रेटरी जसवंत सिंह, डॉक्टर जेपी सिंह ने छात्राओं को आश्वासन दिया कि उनकी बात सरकार तक पहुंचाई जाएगी। हालांकि वेटनरी कॉलेज की छात्र छात्राओं का धरना जारी है। ये आपका नाम? डॉक्टर रतन गुप्ता। ये जो आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन, ये किस विषय में है, किस चीज को लेकर? हमारा जो मासिक भत्ता है वो बढ़ाने के विषय में। हम लोग चाहते हैं हमारा मासिक भत्ता 3,000 से बढ़ा के 15,000 जी। तो ये कब तक चलेगा, ये कब से चल रहा है? अनिश्चितकालीन है, आज हमारी यूनिवर्सिटी ने शुरू किया है। इससे पहले मथुरा मेरठ के छात्रों ने भी, वेटनरी के छात्रों ने इसका धरना किया है, इसका विरोध किया है कि हमारे मासिक भत्ता 3,000 से 15,000 किया जाए। इसमें तीनों विश्वविद्यालय शामिल हैं? हाँ, तीनों विश्वविद्यालयों की सहमति से ये प्रदर्शन किया जा रहा है। ये कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगें नहीं पूरी की जाती। धन्यवाद।